नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं रोजाना नहाना चाहिए। ऐसे तो गर्मियों में हर कोई रोजाना नहा ही लेता है और कई कई लोग तो गर्मियों में 2 से 3 बार भी नहाते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं कुछ लोग एक एक हफ्ते में और 3 दिन में 1 बार नहाते हैं। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने की। तो क्या रोज नहाना जरूरी है? शास्त्रों में भी नहाने के बारे में कुछ कहा गया है और आखिर हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह नहाने की सलाह आखिर क्यों देते हैं? आखिर क्या होगा इतनी जल्दी उठकर नहाने से? और अगर वाकई में शास्त्रों में नहाने को उचित बताया है तो इसके क्या नियम हैं और कितने बजे हमें सुबह स्नान कर लेना चाहिए? आखिर कैसे पता चलेगा? तो आपके इन सभी सवालों का समाधान है बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के पास। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्नान करने के नियम। तो 9 बजे के बाद स्नान करने वाली स्त्रियाँ जरूर देखें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर शास्त्रों की तरफ देखें तो स्नान करने के नियम को दैनंदिन सदाचार कहा गया है और स्नान करने के नियमों को मनुस्मृति, आचार्य रत्न, विश्वामित्र स्मृति, गरुण पुराण जैसे कई पुराणों में बताया गया है और इन्हीं पुराणों का निचोड़ निकालकर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल रोजाना स्नान करना स्वच्छता और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। नहाने से ना केवल आप शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं और ऐसा ना केवल हमारे धर्म और शास्त्र बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी कहता है। सबसे पहले धार्मिक नियम बता देते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म स्नान, दूसरा है देव स्नान, तीसरा है ऋषि स्नान, चौथा है मानव स्नान और 5वां है दानव स्नान। तो दोस्तों, रात्रि के अंतिम पहर सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो स्नान किया जाता है वह स्नान ब्रह्म स्नान माना जाता है। भगवान का ध्यान करते हुए ये स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद अगर जो लोग सूर्य उदय होने के बाद किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, उस स्नान को देवों का स्नान माना जाता है। जो लोग देव स्नान करते हैं वह 6 बजे तक नहा लेते हैं। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब तक आकाश में सूर्योदय नहीं होता तारे दिखाई देते हैं और अगर उस समय स्नान किया जाता है तो उसे ऋषि स्नान माना जाता है। इसके बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का जो स्नान करते हैं उसे मानव स्नान माना जाता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सुबह ही सूरज निकलने के बाद होती है। ऐसे लोग चाय नाश्ता करने के बाद ही नहाने जाते हैं और कई कई लोग तो 11-12 बजे तक स्नान करते हैं। तो ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो या तो शाम को सूरज ढलने के बाद नहाते हैं या फिर रात में सोते समय नहाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में दोष बताया गया है। शाम के समय और रात के समय आप केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ही स्नान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद तेल की मालिश कर लेते हैं या फिर गीले कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा करना भी शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। ऐसा स्नान करने से उसकी बल बुद्धि तो सफल होती ही है, साथ ही उसका तेज भी बढ़ता है। अब अगर अपने बड़ों की तरफ देखा जाए तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूर्योदय से पहले स्नान करो और उसके बाद सूर्य को जल जरूर दो। तो इसका क्या लॉजिक था? आप इसे धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से समझिए। पहले के लोग खुले में स्नान करते थे, वो नदी तालाब या कुएं पर जाकर स्नान कर लेते थे और वहीं पर नहाने के बाद एक तौलिया लपेटकर सूर्य को जल देते थे। और सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, तो जब सूर्य को जल देते थे तो सूर्य की पहली किरण हमारे शरीर पर पड़ती थी जिससे हमारी हड्डियों को बल और हमें तेज मिलता था। और यही कारण है कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियां हमसे कई गुना मजबूत होती थी। तो अब अपने धर्म पर वापस आते हैं। दोस्तों, धर्म कहता है कि हम जितने भी धार्मिक पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं वह सभी नहाने के बाद ही बताया गया है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में सबसे पहला और खास काम स्नान करना ही होना चाहिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल देने से हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो लोग रोजाना स्नान करते हैं उनके रूप, तेज, बल, पवित्रता
आयु आरोग्य में तो बढ़ोतरी होती ही है, उनके बुरे स्वप्न का नाश भी होता है। साथ ही जो लोग लक्ष्मी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं उन्हें तो रोजाना जरूर स्नान करना ही चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि जो लोग सुबह स्नान करते हैं उनके पाप का नाश होता है, उन्हें पुण्य फल मिलता है और उनके आसपास भूत तो कभी भटकते ही नहीं है। साथ ही शास्त्रों में नदी में स्नान करने को भी उचित बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप नदी की धारा में सूर्य देव की तरफ मुख करके 3, 5, 7 या फिर 12 बार डुबकी लगाते हैं तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है, और अगर आपको रोजाना गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। साथ ही एक और नियम है जिसे शास्त्र में बताया गया है कि नहाते समय कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, नहाते समय हमें किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में बैठकर कभी भी नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए, और जिस पानी से दूसरे नहा चुके हैं ऐसे पानी से भी नहाना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, क्योंकि नहाने के दौरान अगर हम गलतियां कर देते हैं तो हमारी कुंडली में चंद्र दोष के साथ राहु और केतु के दोष बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी गरीबी और दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है। तो स्नान करते समय हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर अग्नि और पानी एक साथ होते हैं वहां पर इनके दोष बढ़ जाते हैं। गुरुजी ने औरतों को भी स्नान करने के कुछ खास नियम बताए हैं, जैसे कि पुराने जमाने में हमारे घर की सारी स्त्रियां, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बहन हो, वो सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लेती थीं। तो घर के बड़े बुजुर्गों ने ये धारणा बना ली कि सूरज निकलने से पहले अगर स्नान करते हैं तो घर में धन, वैभव, लक्ष्मी निवास करती हैं। और वो ऐसा मानते भी क्यों ना, पहले के समय में एक की कमाई से 20 से 25 लोगों का परिवार पल जाता था, और आज के परिवार में 4 लोग रहते हैं और 4 काम करते रहते हैं तब भी हमेशा कमी ही रहती है। तो इसीलिए स्नान करने के इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वहीं नहाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, कई रोगों से हम बचे रहते हैं और पूरे दिन तरोताजा भी महसूस करते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर कहते हैं कि नहाने से ना केवल तन और मन शांत रहते हैं बल्कि हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों ही पवित्र बनी रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो औरतें सुबह 9 बजे के बाद नहाती हैं उनके साथ आकर दरिद्रता क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि सुबह का आखिरी स्नान 6 बजे से 8 बजे तक का मानव स्नान होता है, और जो भी 9 बजे के बाद स्नान करता है वो दानव जैसा होता है, जिससे हमारे अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे लक्षण प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमारी बुद्धि भी राक्षसों जैसी हो जाती है। क्योंकि स्नान करना ना केवल हमारे तन के लिए बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि घर की स्त्रियां सुबह उठकर कोशिश करें कि वह या तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें या फिर सूर्योदय से पहले तो स्नान जरूर करें, ताकि वो अगर स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर खुश रहेंगी तो अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।